नवाज शरीफ की हुबुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज अपने वालिद और दादा में अपने भाई की अयादत के लिए आया हूं। शहबाज शरीफ की जिना अस्पताल में गुफ्तगू, तफसीलात जानेंगे दानियाल राठौर से। दानियाल, मजीद क्या कहा शहबाज शरीफ ने? बिल्कुल, साबिक वजीर आला पंजाब कायदे से खिलाफ शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की अयादत के लिए जिना अस्पताल पहुंचे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उसमें कहा है कि नवाज शरीफ की हुबुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। वालदा और मैं नवाज शरीफ की इयादत के लिए आए हैं और नवाज शरीफ इस वक्त बीमार हैं, उनको सेहत की मुनासिब जो है वो सहूलियात मैसर होनी चाहिए और उनका वो बुनियादी हक भी है, वो 3 बार मुल्क के वजीर आजम भी रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने अपनी सेहत के हवाले से कहा है कि मेरी कमर में भी दर्द है, मगर शहबाज शरीफ का मजीद ये कहना था कि अपने बड़े भाई से मुलाकात के लिए आया हूँ, उनकी इयादत करना ज़्यादा ज़रूरी थी। जी अच्छा, ये बताइएगा कि दानियाल के शहबाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज और इसके अलावा कोई और रहनुमा भी नून लीग का वहां पर पहुंचा है इयादत के लिए? जी, आज नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए और उनकी इयादत के लिए नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ, साहबजादी मरियम नवाज, वालदा बेगम शमीम शरीफ समेत पार्टी के अहम रहनुमा भी मौजूद थे, मगर अरकान असम्बली की नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हो सकी है। जबकि एमपीए रबिया नुसरत, एमपीए सादिया तैमूर और एमपीए समेरा कोमल जो है वो वहाँ पर पहुंची, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मेंबर और दीगर जो कारकुनान हैं वो वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे, मगर उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई है। नवाज शरीफ से सिर्फ उनके फैमिली के लोगों की मुलाकात की इजाजत है। सुबह ही जो है, आज जुमेरात का रोज था, तो ये समझा जा रहा था कि जेल मैनुअल की तरह मुलाकातें होंगी, नवाज शरीफ से लोग मुलाकात कर सकेंगे, मगर इंतजामिया की जानिब से इस बात को की जो है गुत्थी को सुलझाते हुए कह दिया कि ये जेल नहीं है, ये अस्पताल है, यहाँ पर नवाज शरीफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल।